हाय अविनेश, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन नवीन, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, मतलब एकदम पूरे ही सरबजीत जी के एकदम लुक में आप हो, एकदम कैरी करके घूम रहे हो. कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। जो ये लुक है मेरा सरबजीत का, आई जस्ट लव इट। मुझे पगड़ी पहनना बहुत पसंद है, सो आई वाह, थिंक जब भी मुझे मौका मिलता है, जब आप लोग हमें बुलाते हो दोबारा से, फिर से हमसे बात करते हो, तब हमें फिर से एक बार मौका मिलता है रेडी होने का और फिर से उस कैरेक्टर में आने का। तो आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू गॉट टाइम फॉर मी एंड यू टुक आउट टाइम फॉर टू चैट विद यू टू चैट विद मी ऑब्वियसली, एंड यू नो दैट गेव मी अ चांस। मुझे मौका मिला कि मैं पगड़ी पहनूं और मैं आपके सामने आऊं फिर से। सो जहां तक बात है लॉकडाउन की, सो ऑब्वियसली जो चीजें बाहर हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, वो बहुत ही बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और जैसे वायरस फैला हुआ है। बट जहां तक बात है, हमें बीइंग एन एक्टर, हमें ज्यादा मौका नहीं मिलता है घर पे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का, खुद के साथ टाइम बिताने का। और बिल्कुल हमारा शेड्यूल है वो इतना ज्यादा हेक्टिक होता है, हम इतना ज्यादा काम में व्यस्त होते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता किसी और चीज का। तो अब मुझे वो बिल्कुल मौका मिला है। इनिशियल डेज में तो थोड़ा सा मैं बहुत रिलैक्स मोड में था, बट यस अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि लॉकडाउन में मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ, बिकॉज लाइफ, और यहाँ से हमें शूट करने का भी अब एक नई हमने टेक्निक अपनाई है कि हम घर से शूट कर रहे हैं। हमने बहुत सारे सीन्स किए हैं, 3-4 सीन है जो हमने परफॉर्म किए हैं, हाँ तो उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ मैं। बिकॉज अगर खुद सीन शूट करना हो तो उसमें पूरा ही दिन चला जाता है, बिकॉज हमारे सीन 8 या 9 मिनट के हैं, तो उन हाँ 8 या 9 मिनट शूट करते करते पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकल बिकॉज जाता रीडिंग सेट होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ जो मैंने वाह पहले नहीं पढ़ी, तो मैं पढ़ वाह नहीं पाया था क्योंकि खुद को अपने मानसिक, अपनी हेल्थ को और अपनी फिजिकल हेल्थ दोनों को बहुत इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है हमारे एक्टर्स के लिए, बिकॉज यही हमारा, बिल्कुल हम बिल्कुल प्रोडक्ट हैं, खुद बिल्कुल सेल करना है, तो हमें खुद को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो हमारी हमारी मेंटल हेल्थ है और जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, उसका बिल्कुल उसको स्ट्रांग होना और उसको हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो उस पे काम करने के लिए मैंने मेडिटेशन भी शुरू किया है स्टेबिलिटी के लिए, वाह जो बहुत है। तो आई थिंक ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ जो मैं नहीं कर पाया उस टाइम पे, उस दौरान जब मैं शूट पे था, जब मैं शूट पे होता था। शूट तो पे अब मैं होते उसका थे. पूरा फायदा उठा रहा हूँ और सारी चीजें कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए तो सिर्फ आप और कुछ एक कलर्स के एक्टर्स हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम है, तो कितना ज्यादा मतलब मेहनत लग रहा है आपको? अंताक्षरी आप लोगों ने वर्चुअल अभी रिसेंटली आप लोगों ने खेला, अंताक्षरी कितना एंजॉय किया आप लोगों ने जब हमने देखा? बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने ये वाली चीज शुरू की है, छोटी हाँ सरदारनी वालों ने ये चीज शुरू की थी। बिल्कुल जब लॉकडाउन शुरू हुआ बिल्कुल था तो मैंने अपने डायरेक्टर थी जलद शर्मा जो है हमारे डायरेक्टर, उनसे मैंने पूछा था, हाँ मैंने कहा ना जैसे सब काम कर रहे हैं घर से, हम नहीं काम कर सकते घर से, हमें भी घर से काम करना चाहिए, हमें भी देख हाँ हम भी कैसे घर से एक सीन प्रिपेयर करके लोगों के सामने पहुंचाएं। तो आई थिंक ये बात चैनल तक पहुंची होगी, चैनल का भी दिमाग लगा होगा और उन्होंने सोचा होगा इस बारे में कि हमें भी ऑडियंस को इंटैक्ट रखने के लिए, ऑडियंस को यू बिल्कुल नो कनेक्ट करने के लिए, खुद को ऑडियंस के साथ हमें कोई सीन्स परफॉर्म करने चाहिए। तो हम ये सीन्स लेकर आए, बट बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ करना हमारे लिए, बिकॉज मेरे लिए तो ये मेरा काम है, मेरा पैशन है, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है ये बिल्कुल करना। बट मेरे घर वालों के लिए, बिकॉज वही इस समय मेरे कैमरामैन है, मेरे लाइटिंग डिपार्टमेंट सब कुछ वही है, उनके हमने लिए वो वीडियो बहुत देखा था, ज्यादा। बीटीएस वीडियो. आई नो माय फैमिली इज अमेजिंग, उन्होंने बहुत मदद की है मेरी, मेरे बच्चों ने बहुत मदद की है मेरी हाँ मेरे सेटअप करने की। तो आई थिंक वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, बट एक टाइम के बाद वो चीज बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, प्रेशर आ जाता है, तो फिर उसको कोप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक जहां तक ये तो बट मजा बहुत आया, काफी मजा आ बिल्कुल रहा है करने में भी, बट आई थिंक ये मैं चाहता नहीं हूँ ये नॉर्मल रहे, ये ऐसी हाँ रहे। मैं चाहता हूँ कि शूट शुरू हो जाए, हम लोग सेट स्टार्ट पे हो जाए जाए. और वहां से हाँ शूट करें। अच्छा, परम को और मेहर को आप मिस कर रहे हो कि नहीं, शूटिंग विथ मोस्टली परम?
उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है, तो बच्चे आराम से तुम्हें अच्छे रिएक्शंस देते हैं, बहुत ही इंटेंस होती है उसमें, इमोशंस बहुत रियल आते हैं, तो बहुत मजा आता है बच्चों के साथ काम कर रहे। और मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ, मेरे हर शो में मेरे साथ कोई ना कोई बच्चा था, तो बच्चों बच्चे जब एक स्क्रीन पे आते हैं तो अलग ही स्क्रीन की एक जो स्क्रीन की एनर्जी होती है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत मजा आता है जब मैं बच्चों के साथ स्क्रीन परफॉर्म करता हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक होता है, बहुत मजा आता है। अच्छा, आपके आपके घर में भी दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है, कि नॉर्मली आप जब शूट करते हो 12 घंटे का शिफ्ट होता है, यू डोंट गेट टू स्पेंड टाइम विद द किड्स, तो किस तरह आप ये वाला क्वारंटीन में ये वाला टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, पापा बेटा पापा बेटी के वाला टाइम? कि बच्चों के साथ जहां तक बात है तो ऑब्वियसली मैंने ये टाइम बहुत मिस किया है। पिछले एक साल में बहुत ही कम ऐसा वक्त था जिसमें मैं अपने बच्चों को वो वक्त दे पाया, तो अब मैं उसका पूरा फायदा उठा रहा हूँ और मैं बच्चों को पूरा टाइम दे रहा हूँ। आई थिंक मैं उनके साथ रीडिंग सेशंस बहुत कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे बच्चे मेरे साथ रीडिंग करें, उनको किताबें पढ़नी बहुत अच्छी लगती है। मेरी बेटी तो पढ़ नहीं पाती ऑब्वियसली, बस उसको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हैं, मुझे मेरे बेटे को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, तो उससे मुझे वो वाली चीज सीखने को मिली ड्राइंग। और ड्राइंग एक ऐसी थेरेपी है, जब आप करो तो आप इतने ज्यादा उसमें एंग्रोस्ड हो जाते हो कि आपको और कुछ सोचता नहीं उस टाइम पे। आई थिंक वो भी एक तरह की मेडिटेशन है, जब आप ड्राइंग करते हो ना तो वो एक तरह की मेडिटेशन है। ये मैंने रियलाइज करा जब मैं एक स्केच मैंने तैयार किया, मैंने एक आंख बनाई थी बहुत अच्छी, बहुत रियलिस्टिक सी आंख, मैंने वो पोस्ट भी की थी इंस्टाग्राम पे। तो वो जब मैंने बनाई तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे 4 घंटे कहाँ चले गए। सो आई थिंक वो एक तरह की मेडिटेशन है जो कि मुझे मेरे बेटे से सीखने को मिली है, उसका वो पैशन है और मेरे लिए वो एक मेडिटेशन बन गई। तो आई थिंक मैं हफ्ते में 2-3 बार ट्राई करता हूँ, सॉरी मैं हफ्ते में 2-3 बार ट्राई करता हूँ कि मैं डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा स्केच या अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखूँ। और जब बच्चे मेरे साथ में होते हैं तो आई थिंक हम साथ में होते हैं तो एक फैमिली टाइम भी हो जाता है और साथ साथ हम यू नो वी रियली एंजॉय दैट मोमेंट। अविनेश, हर किसी का एक शो उनके दिल के बहुत करीब रहता है। हम आपके छल के टाइम पे भी हम आपके साथ थे, जब आप छल शूट कर रहे थे उस वो शो आपके लिए कितना आपके दिल के करीब है, और कोई एक मोमेंट जो आप याद करते हो उस शो से रिलेटेड, लाइक शूटिंग विद हुनर या फिर अभिषेक, कुछ अगर आपको याद, कुछ अगर शेयर करना चाहे तो? छल मेरा पहला शो था, तो वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत डिफरेंट होता है जब आप अपना पहला शो परफॉर्म कर रहे हो, आपको फर्स्ट ब्रेक मिला हो, तो आपके आपके लिए वो बहुत ही डियर होता है। एंड आई थिंक बहुत सारी मेमोरी सेट हैं, जहां तक देखा जाए तो मुझे, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे मेंटोर्स बहुत अच्छे मिले हैं मेरे हर शो में। मेरा फर्स्ट शो भी जो था उसमें जो मेरे प्रोड्यूसर थे वही मेरे डायरेक्टर थे, नंदिता मेहरा मैम, तो उनके काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक अगर आपके फर्स्ट शो में आपके मेंटोर्स इतने अच्छे हों तो आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं उनको इस सब का श्रेय देना चाहता हूँ जो मेरी जर्नी है, जो मेरी शुरू हुई उनके साथ, क्योंकि उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, बहुत ज्यादा मुझे उन्होंने जितनी हेल्प की है उस शो में ग्रो करने के लिए। और साथ में मैं एक और इंसान का नाम लेना चाहता हूँ, मुख्तार ढोंड, जो हमारी क्रिएटिव थी उसमें, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया। ये दो इंसान हैं आई थिंक उस टाइम पे मेरे करियर को जिन्होंने बूस्ट दिया और जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। याद है स्टार्टिंग में मुझे लोग बोलते थे कि अब तुझे पहला शो मिल गया, तेरी जर्नी शुरू हो गई है, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। और मैं सोचता था कि क्यों बोलते, किसको पीछे मुड़ के मत देखना। नेक्स्ट डे नंदिता मैम के पास गया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम हर बंदा ना मुझे यही बोलता है पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, मैं किसको पीछे मुड़ के मत देख। वो मुझे उन्होंने बाद पीछे मुड़ने का मतलब है लाइफ में जो तुम्हारा पास्ट रहा है, जो तुम्हारी स्ट्रगल रही है उसको भूलना मत, आगे बढ़ते रहना, बट जो तुम्हारे पास्ट में जो बुरी घटनाएं हुई है, जो तुमने इतनी मेहनत की है, उससे निराश मत होना और बस आगे बढ़ते रहना, इसको बोलते हैं पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने कहा अच्छा इसको बोलते हैं, फिर तो ये बात में हमेशा याद।
लवली, उमा शंकर को आप मिस करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स, आई थिंक एवरी कैरेक्टर व्हिच आई हैव डन हैज बीन अ वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टर फॉर मी. मुझे, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूं कि मुझे बहुत डिफरेंट कैरेक्टर, बहुत डिफरेंट किरदार करने को मिले हैं. छल से लेकर उसके बाद मधुबाला मैंने किया जिसमें मैंने सुल्तान का कैरेक्टर प्ले किया. उसके बाद मैंने अकबर किया जिसमें महाराणा प्रताप में मैंने अकबर का कैरेक्टर प्ले किया. उसके बाद मैंने मैं ना भूलूंगी जो कि एक थ्रिलर सीरीज थी, तो उसमें भी मैंने एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले किया. उसके बाद फिर मैंने उमा शंकर का किरदार प्ले किया जो कि संस्कृत में बहुत ही साउंड था. एक ऐसा रिलीजियस बंदा जिसकी बिलीव्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जो बहुत ही यू नो ओल्ड स्कूल बिलीव में अपना बिलीफ रखता है. तो आई थिंक आई वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे मौके मिले हैं अपने करियर को शेप अप करने के लिए और ऐसे किरदार करने को मिले जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. और राइट फ्रॉम देयर मुझे एक ऐसा किरदार मिला सरबजीत सिंह गिल का जिसने मेरी जिंदगी को एक और पड़ाव दिया और जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है बिकॉज मैं एक सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ. और मुझे पहली बार जिंदगी में मौका मिला कि मैं स्क्रीन के सामने आऊँ हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री नेशनल में एक सरदार का कैरेक्टर प्ले करूं जिसमें बहुत सारी नॉन पंजाबी ऑडियंस भी है हमारी. अभी भी काफी ऐसा वक्त होता है. आई रिमेम्बर मैं एक शादी पे गया था जहां पर मुझे एक ईरानी लेडी मिली. उन्होंने मुझे बोला कि आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपका किरदार हमें बहुत अच्छा लगता है. इम्प्रेस्ड कि मैंने कहा आपको, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ पंजाबी एसेंस है, कुछ ना कुछ पंजाबी वर्ड्स पंजाबी डायलेक्ट हम यूज करते हैं हमारे शो में जो कि है तो ये हिंदी हिंदी भाषा का शो है बट पंजाबी फिर भी थोड़ी बहुत यूज होती है. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको समझ आ जाता है हमारा पूरी तरह शो? कहते हैं ऑफ कोर्स हमें समझ आ जाता है. और कहते हैं हमें आपके कल्चर को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जिस हिसाब से पंजाबी लोग पूरी दुनिया में इतनी हेल्प करते हैं लोगों की, आप अभी भी देख सकते हैं कितने सारे गुरुद्वारे ऐसे हैं जिसमें लोग बाहर आके लोगों की मदद कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं जो लोग. तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझे ये रियलाइज कराया. एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट के मतलब आई एम अ पंजाबी एंड आई एम यू नो डूइंग दिस कैरेक्टर एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कल्चर यू नो बीइंग सरबजीत सिंह गिल. सो आई वाज रियली प्राउड ऑफ दिस फैक्ट. नाइस. उमा शंकर के किरदार में आपने पूरा, आपको हमेशा क्लीन शेव रहना पड़ता था और वहीं पे सरबजीत के किरदार में आपको दाढ़ी एंड मूंछें रखनी पड़ रही है. तो आपको मतलब कौन सा वाला लुक सबसे ज्यादा आपको बहुत अच्छा लगता है, लाइक बीइंग इन अ क्लीन शेव्ड लुक और इन लाइक रफ्ड एंड बियर्ड लुक? कौन सा वाला आपको लुक अच्छा पर्सनली आपको अच्छा लगता है? सी नॉर्मली जब मैं कोई शो नहीं कर रहा होता हूं तो उस टाइम पे मैं दाढ़ी हमेशा मेरी होती है. तो स्पेसिफिकली उमा शंकर का जो किरदार था उसके लिए मुझे शेव करनी पड़ी थी और वो भी बाद के वक्त में. उमा शंकर का जो किरदार स्टार्टिंग में था उसमें थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मेरी फिर भी थी बट बाद में जो मेरा कैरेक्टर शेप अप होता है उसमें मुझे पूरा क्लीन शेव होना पड़ा. बिल्कुल. तो अब जाकर बट सी एज एन एक्टर हमें दिखाया कि आपको एक कैरेक्टर से डिटैच हो जाना चाहिए अब दूसरे कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए. तो मुझे काफी वक्त लगा ऑब्वियसली मुझे, बिकॉज मैंने एक साल मेरा बीच में गैप आया था. उसके बाद मैंने सरबजीत सिंह गिल, मैंने छोटी सरदारी शो पकड़ा. तो उस एक साल के अंदर मैंने बहुत कोशिश की थी उमा शंकर के किरदार से बाहर निकल. यू नो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज आप एक किरदार कर रहे हो तो उससे आपको लगाव हो जाता है. आप एक साल डेढ़ साल के लिए, तो डेढ़ साल आपने एक किरदार को अपनाया है और अच्छी तरह से अपनाया है. बिकॉज अगर तुम उसको अच्छी तरह से नहीं अपनाओगे तो तुम पर्दे पे उसको अच्छी तरह से नहीं लेकर आओगे. तो मैंने एक किरदार को अच्छी तरह से अपनाने के बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आई थिंक मेरे लिए उमा शंकर को भी छोड़ना काफी मुश्किल था बट वो हमें करना पड़ता है दूसरे किरदार को प्यार करने के लिए, उसको अपनाने के लिए. तो मेरे लिए डिफिकल्ट था बट हाँ समहाउ अब मुझे ज्यादा लगाव सरबजीत हो गया बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मेरे जहन के करीब है बिकॉज मैं खुद एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो बहुत ही रिलेटेबल है यू नो. मैं काफी चीजें सरबजीत में देखता हूँ जो कि मैं खुद हूँ वैसा. तो इसलिए कहीं ना कहीं आई थिंक मैं खुद को ही प्ले कर रहा हूँ अभी स्क्रीन पे.
नॉर्मली हम सेट पे होते हैं तो हमारे आप जैसे सेट पे होते हो तो मेकअप दादा होते हैं या फिर टर्बन के लिए टर्बन बांधने के लिए भी लोग होते हैं वैसा, तो सरब जीत के किरदार में ढलने के लिए घर पे आपको कितना टाइम लगता है रेडी होने में? बिकॉज आपको जो करना होता है खुद ही करना होता है अभी घर पे. सी अब मेरे लिए इजी हो गया बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने जब हमारा शो शुरू नहीं हुआ था उससे 3 महीने पहले मैंने शुरू कर दिया था पगड़ी बांधना. तो पगड़ी बांधना इज द मोस्ट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि पगड़ी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज आई थिंक सरदार की जो लुक होती है पगड़ी होती है, उसकी टर्बन होती है, उससे वो पहचाना जाता है. तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हमें स्टार्टिंग में बहुत मुझे बहुत मुश्किल से एक ऐसा टर्बन वाला बंदा मिला जिसने मुझे अच्छी पगड़ी बांधनी शुरू की, जिसका नाम अनमोल है, जो मुझे अब भी पगड़ी बांध रहा था जब तक हमारा शो 18 मार्च तक जब तक हमने किया शो. आई थिंक मुझे बहुत मुश्किल लगी थी स्टार्टिंग में, मेरे लिए बहुत टफ था बिकॉज मुझे पगड़ी बांधनी नहीं आती थी. मैं बहुत ट्राई करता था. आई यूज टू स्पेंड 3 to 4 hours टाइम टर्बन 3-4 घंटे और उसके बाद जब पगड़ी बांध जाती थी तो पगड़ी बांधने के बाद मैं उसके बाद जाता था बाहर 5-6 घंटे पगड़ी बांध के रहता था. यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे आदत डालनी थी पगड़ी बांधने की बिकॉज शूट पे आपको 12 घंटे के लिए पगड़ी बांध के रखनी पड़ती है. और जिसको आदत ना हो पगड़ी बांधने की उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज यू नो इनिशियल पीरियड सर दुखने लगता है बिकॉज आप यूज्ड टू नहीं हो पगड़ी बांधने के लिए, आपको इतने घंटे के लिए पगड़ी बांधना पड़ता है. तो आई थिंक उस टाइम पे मेरे लिए डिफिकल्ट था बट धीरे धीरे मुझे पगड़ी बांधने की इतनी आदत पड़ गई कि वो मेरा अटायर बन गया, मेरी पर्सनैलिटी बन गई और मेरे लिए बहुत ईजी हो गया. तो अब मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता है पगड़ी बांधने में. आई थिंक मैं अब मैक्सिमम 10 या 15 मिनट के अंदर उसमें उससे भी कम में पगड़ी बांध देता हूँ बहुत ईजिली. सो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज चैनल को भी हो रहा है और बाकी लोगों को भी हो रहा है, इसलिए वो लोग ज्यादा सीन बार बार एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है. तो फटाफट फटाफट जितने सीन्स हो सकते हैं वो करवाते रहो. अच्छा अविनेश, आप भी फिल्म सिटी में शूट करते हो, आपकी को स्टार जो एक्स को स्टार थी तू सूरज में सांझ पिया जी की, वो भी फिल्म सिटी में शूट करती हैं, तो रिया से कभी आपका कभी ऐसी मुलाकात कभी हुई है आते जाते दौरान, या फिर कभी उन्होंने आपका सेट विजिट किया या आपने कभी किया वैसा कभी कोई मुलाकात हुआ हो वैसा? ऐसा कभी नहीं हुआ. एक दौरान मेरी रिया से बात हो रही थी, हम फोन पे बात करते रहते हैं, हमारी फोन पे बात होती रहती है, मेरी भी काफी बात होती है. बट एक बार आई थिंक मैं मिलने वाला था बट somehow हमारी बिकॉज जो छोटी सरदारनी की शूटिंग आवर्स हैं वो हमारे काफी हम लोग इंडस्ट्री में जो कि बहुत ज्यादा शूट करते रहते हैं, हमें बहुत दिल करता है दूसरे के साथ रहने का. हमारी टीम इतने इतना प्यार है हम लोगों के बीच में कि हम लोग बस 18 घंटे साथ में बिताने का हमेशा काम करते हैं. इनिशियली क्या होता था बिकॉज मैंने पगड़ी बांधी होती थी तो उस लुक में बाहर जाना किसी और सेट पे मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता था और पगड़ी उतार के वहां पर जाना और फिर आके पगड़ी बांधना, तो उससे मैं कोप अप नहीं कर पाया. तो उस टाइम पे हमारी इसलिए मुलाकात नहीं. और बाद में आई थिंक हम अपने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि इतना ज्यादा मौका नहीं मिला. बट हाँ आई थिंक मैं एक ही बार रिया से मिला हूँ, उससे ज्यादा मेरी मुलाकात नहीं हुई है रिया से बिकॉज हमारे सेट है तो पास, बट फिर भी हमारे टाइमिंग इतने डिफरेंट होते हैं कि हमें एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिलता. बट हम सिर्फ फोन पे बात करते हैं और आई थिंक फोन पे बात करना भी हमारे लिए ठीक है ऑब्वियसली बिकॉज कॉन्टैक्ट में रहना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर की अपने आप को एज अ पर्सन मिलना. So, हम कांटेक्ट में हैं. I think we are happy in our own space और मजा आता है उसमें. किस तरह का लंच टाइम आप लोग का सेट पे होता है? किस तरह आप लोग सारे को स्टार अपने स्क्रिप्ट्स वगैरह को भूल के किस तरह आप लोग लंच टाइम स्पेंड करते हो अपना? बिकॉज बहुत ही हेक्टिक, और हमने देखा है कि बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल होता है आप लोगों का. हम भी सेट पे आते हैं तो हमने देखा है. तो कैसे आप स्पेंड करते हो लंच टाइम में बाकी को स्टार्स के साथ टाइम? हेलो, अभी आ रही है?
मैं बोल रहा हूँ लंच टाइम में आप अपने कोस्टार्स के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करते हो, बाकी कोस्टार्स कैसे हैं आपके सेट पे, अगर आप हमें बताना चाहें तो. एवरीवन्स वेरी लवली. मेरी ज्यादा कनेक्टिविटी जो है वो अनीता मैम के साथ है, और बिकॉज उनसे मेरे को बहुत ज्यादा फिटनेस टिप्स मिलती हैं. शी इज अ फिटनेस फ्रीक, वो फिटनेस में इतनी ज्यादा उम्दा हैं कि उनसे बात करने में बहुत मजा आता है. और उनसे चांटिंग भी सीखने को मिली मुझे, वो बुद्धिज्म में है, सो वो चांट करती थी, उनके साथ मैं कभी कभी चांट भी कर लेता हूँ, दैट इज वेरी रिफ्रेशिंग. जहां तक लंच की बात है तो आई थिंक या वी समटाइम्स डू, इट्स नॉट एवरी डे, मतलब हर रोज हम लोग साथ में बैठ के नहीं खाना खाते हैं, बट हाँ मतलब हफ्ते में दो तीन दिन ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग, बिकॉज इट्स नॉट के एवरी डे हर इंसान साथ में आके शूट कर रहे हैं सेम टाइमिंग है सबके, दो मैं और मेहर जो है वो हमेशा टाइम सेट पे होते हैं ऑफिस, बट देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो कि कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो जब हमें मौका, हाँ वी मेक श्योर कि हम लोग साथ में बैठे और जितना ज्यादा टाइम बिता सकते हैं बिताएं. तो हम हमारे सेट के बाहर ही, मेकअप रूम के बाहर एक वेकेंट एरिया है, एक रिफ्यूज एरिया है जहाँ पे हम बैठ के चेयर्स लगती हैं और हम वहां पर बैठ के खाना खाते हैं. तो अनीता मैम के साथ खाना शेयर में करता हूँ, बिकॉज मेरे को उनका घर के खाना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही हेल्दी खाना बना के लाती हैं और मुझे हेल्दी चीजें खाना बहुत पसंद है, मैं अनहेल्दी खाने में बिलीव नहीं करता हूँ, सो आई थिंक माई डाइट प्लान इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रिस्ट्रिक्टिव. अच्छा अविनेश, आपने बहुत नेगेटिव रोल भी किए हैं, आपने पॉजिटिव रोल भी किए हैं, किस तरह आप देखते हैं दोनों किरदारों को, बिकॉज टीवी इंडस्ट्री में कहते हैं कि नेगेटिव किरदार निभाने वालों को जल्दी पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं मिलता है, एक ऐसा माना जाता है, तो आप किस तरह देखते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स को और पॉजिटिव कैरेक्टर्स को? माना जाता है तो मैंने वो वाली बात, वो मीनिंग हमेशा चेंज कर दी. मैंने अपना फर्स्ट किरदार जो शुरू किया था वो नेगेटिव से किया था, और ऑलमोस्ट मधुबाला में भी मेरा किरदार नेगेटिव था. बट इन फ्रंट ऑफ यू सिंस पास्ट 2 इयर्स, मेरे लास्ट के दोनों शोज पॉजिटिव थे, तो आई थिंक वो स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया है. आई थिंक ये लोगों की, आई थिंक दिमाग की सोच है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये दिमाग की सोच है. अगर एज एन एक्टर तुम अपने आप को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तुम अपने आप को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म करके ऑडियंस के सामने बिलीवेबिलिटी पैदा कर सकते हो कि हाँ नहीं तुम ये वाला किरदार अच्छी तरह से निभा पाओगे, तो डेफिनेटली निभा पाओगे. देयर इज नो स्टॉपिंग, नो वन कैन स्टॉप यू फॉर डूइंग समथिंग अंटिल एंड अनलेस यू डोंट बिलीव इन इट. आई थिंक एक्टिंग कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जिसमें बिलीवेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो तुम वो चीज कर नहीं पा रहे हो. तो मेरी बिलीवेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमेशा स्ट्रांग रही है, मेरा मोटो भी हमेशा यही रहा, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरी टाइम बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू आर बिलीविंग इन योरसेल्फ यू कैन एक्सेल इनटू एनी हाइट्स. वो जो यू योर सक्सेस कैटापल्ट्स अप टू अ लेवल यू वोंट बी एबल टू यू नो रियलाइज दैट. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि अगर बिलीवेबिलिटी आपकी स्ट्रांग है तो आप वो सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक. तो जो लोग ऐसा बोलते हैं आई थिंक वो खुद ही कहीं ना कहीं वीक होते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक होती है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं. और आई थिंक ये पहले की बातें थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, इंडस्ट्री बहुत वास्ट हो चुकी है, इसमें बहुत सारा काम है. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी एन एक्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये जो टाइम है एक एक्टर बनने का वो बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि मौके बहुत ज्यादा है, यू नो कैटेगरी इतनी ज्यादा है, प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत सही टाइम है एक एक्टर बनने के लिए, और प्रोसेस भी बहुत ही फैसिनेटिंग. निमृत, आपके शो में एक नई किरदार है, नई, और आप अनीता मैम, ये लोग बहुत सारे पुराने एक्टर्स उस शो में हैं, तो कभी ऐसा कोई चांस मिला कि आप लोगों ने निमृत के साथ कोई रैगिंग वैगिंग किया हो, वैसा कुछ अगर आप लोगों ने किया हो तो? मैंने निमृत के साथ मॉक शूट की थी स्टार्टिंग में एक, और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट डे ऑफ शूट था निमृत के साथ वो बहुत लेट शुरू हुआ, डेढ़ महीने के बाद. हमने साथ में शूट किया ही नहीं था उससे पहले, तो ऐसा कोई मौका मिला नहीं. जब मैं आया सेट पे वो पूरी तरह रच चुकी थी इस किरदार में, तो एंड कहीं ना कहीं उसने इस किरदार को काफी अच्छी तरह से निभाया है, शी हैज गिवन अ डिफरेंट डायमेंशन टू इट एंड शी इज हार्ड वर्किंग. ऐसा कोई मौका मुझे ना मिला नहीं, एंड आई थिंक अनीता मैम ऐसा कुछ करती है तो उन्होंने ऐसा कुछ कोई अभी फिलहाल इस you know on set
उसमें बहुत मजा आता है, वो तो आई थिंक हर सेट पे होती है, हर फील्ड में होता है, हर हाँ जगह, हर वर्किंग एनवायरनमेंट में आप साथ में काम कर रहे हैं, तो जस्ट टू मेक द एनवायरनमेंट हेल्दी एंड यू नो लाइवली, ऐसी चीजें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल सबसे ज्यादा जो दिल लगाने वाले इंसान है हमारे सेट पे, वो हमारे हाँ डायरेक्टर हैं जलद शर्मा, सबसे ज्यादा हाँ दिल वो लगा रहे। आप हाँ आए हो कभी सेट पे हमारे मूवी? नहीं, आई हैव बीन देयर पर ट्वाइस, बिकॉज मोस्टली आई कवर नायगांव एंड मीरा रोड साइड के, मुझे असाइन किया गया है तो मैं उधर ज्यादातर रहता हूँ, या फिर मलाड साइड हाँ की भाई, चीजों का. वैसे रहते गाँव नायगांव में? नहीं, मैं रहता हूँ जोगेश्वरी में, इस वजह से तो मैं तू तू सूरज में सांझ पिया जी के सेट पे ज्यादा आया करता था. बिकॉज मोस्टली वो लोग उस साइड में रहते हैं तो उनको ज्यादा हाँ भोगले हाँ तो तरफ उधर के के सारे कुछ। शूट्स अच्छा मैं कवर करता था इसलिए. वेरी नाइस। अच्छा आपका कैसे चल रहा है? मेरा तो यही, सबका इंटरव्यू करो और दो, एंड बाकी घर पे लॉक्ड हूँ इतने दिन से. आई हैव टू ब्यूटिफुल नेफ्यू एंड नीस, 2 साल के हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है मेरा. बिल्कुल नो यार, जो लोग अकेले रह रहे हैं ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक उनके लिए बैठना, कोप अप करना उस प्रेशर में, इट्स अ हाँ. लिटिल टफ। ठीक है, लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे अविनेश, कि आपके घर उधर एनवायरनमेंट कैसा है, आप कभी स्टेप आउट किया, आपने देखा, आपके तरफ का माहौल कैसा है, अगर आप हमें बताना चाहें तो. बहुत मुझे हो गया काफी अब टाइम, आई थिंक 1-1.5-2 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट, जब मैं गया था ग्रोसरी लेने के लिए एक बार, सिर्फ उसी टाइम पे। बट आई थिंक आई आई जस्ट वांट पीपल टू, बिकॉज आई डोंट वांट टू सेट एन एग्जांपल बाहर जाके, के बिल्कुल बिल्कुल आई वांट टू जस्ट यू नो स्टे एट होम। सो द मोर आई विल स्टे द बेटर पीपल विल आल्सो फॉलो, पीपल हु आर फॉलोइंग मी आई थिंक, वो अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो अगर वो मेरे से कोई चीज सीखना चाहते हैं तो वो यही है कि इस टाइम ये जो भी हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कोई स्टेप लिया है तो आई बिल्कुल थिंक कुछ सोच के लिए, तो हमें घर पे रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, हमारी हाँ खुद जी की सेहत के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए। बिकॉज आपको कुछ पता नहीं है, बिकॉज यू नो आई एम वेरी स्केर्ड वेन वी गो टू अ ग्रोसरी शॉप ऑल्सो, बिकॉज हाँ ग्रोसरीज में भी यू कैन कैच दिस वायरस फ्रॉम एनी वेयर, कुछ भी हो सकता एनीवेयर है। हाँ तो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस। अगर आप बाहर जा भी रहे हो तो आप मास्क पहन के जाओ, आप ग्लव्स पहन के जाओ। तो जहां तक बिल्कुल हमारे एरिया का सवाल है, तो हम हमारे सोसाइटी ने पुल इन किया है, 2-3 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो हफ्ते में जाएं और बाहर से ग्रोसरीज और ये सारा सामान एक ही बार में ले आए इकट्ठा करके, और बिल्कुल वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव सबके लिए, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हो जाते हैं और जो लोग जा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल इनाफ है और वो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाते हैं, काफी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। और जहां तक बाहर के एनवायरनमेंट की बात है, तो हाँ आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट नाउ इज इन दिस लॉकडाउन इज जो नेचर है वो बहुत रिवाइव हो रहा है, जो हवा बिल्कुल है वो बहुत फ्रेश हो चुकी है। व्हेन आई गो टू माय टेरेस इवनिंग में, व्हेन आई डू माय वर्कआउट टेरेस पे जाके, तो उस टाइम पे जो हवा होती है, जो वेदर होता है, जो यू कैन सी द स्काई प्रॉपरली नाउ, यू नो यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट बिकॉज देर इज नो पोल्यूशन एनीवेयर। और रिसेंटली मुझे, बिकॉज आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो मुझे मेरे मम्मी ने एक फोटो भेजी थी जहां पर रास्ते में चंडीगढ़ पे मोर, कितने सारे पंछी, वाह डियर, सब रास्ते में घूम रहे हैं। सो आई थिंक नेचर इज कमिंग आउट, दे आर ऑल्सो, दे वर ऑल्सो स्केर्ड ऑफ अस बिफोर, एंड नाउ वी बींग इनसाइड दे आर कमिंग आउट, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग देमसेल्व्स। बट समहाउ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल ना हो जाए, जो हाँ है जो सर्कमस्टेंसेस हैं अभी वो हमारे लिए नॉर्मल ना बने, हम इससे रिवाइव होके ऊपर आ जाएं, हम इसको डिफीट कर पाए इस वायरस को। आई थिंक दैट इज माय कंसर्न, हम इसे डिफीट कर दें किसी भी तरह से, ये हमारे लिए नॉर्मल ना हो, ये ना हो कि हम आगे जाके सिर्फ हमें मास्क पहन के ही बाहर घूमना पड़े। सो मैं बिल्कुल बस यही दुआ करता हूँ भगवान से कि प्लीज ये वैक्सीन जो है वो जल्दी से जल्दी बने मिल जाए. और हम जल्दी से जल्दी दोबारा हमारी सारी जिंदगी रिवाइव हो पाए और हाँ हम फिर से अपने ट्रैक पे आ पाए, फिर से लोग काम कर पाए। बिकॉज अगर लोग काम करेंगे तो वो पैसा कमाएंगे, अगर पैसा कमाएंगे तो फिर अमेनिटीज ये जितनी भी हैं वो सब यूज कर बिल्कुल पाएंगे, साथ में हमारा जो बिल्कुल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रांग हो पाएगा।
और एक और डर की बात यह है कि लोग अब घर पे बैठ रहे हैं और उनके पास कोई चीज नहीं है करने के लिए, तो जब वो बाहर आएंगे, जब चीजें नॉर्मल होंगी, तो वो किसी हेट्रेड के साथ ना आए, हाँ जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें, अच्छी तरह से उसे यूज करें, तो अब हम नेचर जैसे रिवाइव है उसको वैसी इंटैक्ट रखें। सो आई थिंक ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और हमें ये चीजें सोचनी चाहिए और इससे उभर कर अच्छी तरह से हेल्दी और स्ट्रॉन्गर बाहर आना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच अविनेश, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होप कि मैं जल्दी आपके सेट पे आके मिलूं, आप लोगों का कवर करूं शो, तो फिंगर क्रॉस कि जल्दी हम लोग मिले. थैंक या मोस्ट वेलकम नवीन, प्लीज कम, नायगांव से छोड़ के यहाँ आओ, जोगेश्वरी से आपका हमारा फ्रेंडशिप ज्यादा पास है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय. You're welcome. Take care. Bye bye. And give my love to your nephews also. थैंक यू, Bye bye. बाय.